नमस्कार, मैं हूं किरण। स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। खबर बांदा से है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र में मंदिर में दर्शन करने जा रहे छात्र नेता के ऊपर हमला करने का मामला सामने आया है। छात्र नेता का नाम लवलेश तिवारी है, जो कटरा बांदा के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि शहर के संकट मोचन मंदिर दर्शन के लिए जाते वक्त लवलेश पर हमला हुआ, जहां पहले से ही घात लगा करके चित्रांशु त्रिपाठी, अतुल द्विवेदी, ज्ञान द्विवेदी अपने 10 अन्य साथियों के साथ पहले से ही मौजूद थे। जैसे ही मंदिर में दर्शन करने के लिए लवलेश तिवारी पहुंचे, अचानक उनके ऊपर हमला करके उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। मंदिर में मौजूद लोगों ने छात्र नेता लवलेश त्रिपाठी को किसी तरह से बचाया और पुलिस को सूचना दी। कोतवाली में पीड़ित ने उन सभी के ऊपर कार्यवाही करने के लिए लिखित प्रार्थना पत्र दिया है। हालांकि पुलिस ने लवलेश को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचा दिया है। बांदा से अल्तमश हुसैन की रिपोर्ट। भैया, आपका नाम लवलेश तिवारी है। कहाँ से आए हो? केवटरा चौराहा बांदा से। किस लिए कोतवाली आए थे? कोतवाली में आया था, मेरे साथ मारपीट की गई है कई लोगों के द्वारा। इसमें मैं लगा था अमन त्रिपाठी, जो बहुत चर्चित मामला चल रहा है बांदा में, अमन त्रिपाठी मर्डर केस, उसमें लगा हुआ था। मैं और मेरी पूरी टीम लगी हुई थी, जिसके चलते हमारे पास लोगों के मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि ये नेतागिरी कर रहे हो, बंद कर दो, नए नए नेता हो, ये सब मेरे पास लोग मैसेज करते थे, दबाव बनाते थे कहीं ना कहीं कि इसमें जो तुम्हारी टीम है वो पीछे हटे। और आज मैं जा रहा था संकट मोचन मंदिर, मेरे साथ चित्रांशु त्रिपाठी और ज्ञान द्विवेदी तिंदवारा, अतुल द्विवेदी और अन्य 10 लोगों के द्वारा मेरे साथ मारपीट की। सब लोग कहाँ के रहने वाले? ये रहने वाले पता नहीं है कहाँ के हैं रहने वाले। एक का पता है, चित्रांशु त्रिपाठी है, जो वो हस्तम प्रहण का रहने वाला है, और ये बड़े बड़े माननीयों के साथ रहता है। अच्छा, आपको किन किन चीज़ों से मारा है? मुझे पहले, मैं जा रहा था रोड से, मुझे सबसे पहले 4 लोग आए, मेरे तमंचा लगा दिया पेट में। उसके बाद मुझे घसीट के गली में ले गए, गली में फिर मुझे लाठी डंडों से और लात घूसे से उसको मारा। तो किस जगह की घटना है ये? संकट मोचन के जस्ट बगल में जो जहीर क्लब वाली गली जाती है, वहाँ की घटना। चौकी कौन सी लगती है? चौकी लगती है जेल चौकी। वहाँ गए थे आप? वहाँ गया था। हाँ, तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला था कि कार्रवाई की जाएगी। अभी मैं कोतवाली आया था, तो कोतवाली में भी कहा जा रहा है कार्रवाई की जाएगी। मेरे सामने कोतवाल साहब ने फ़ोन किया दरोगा जी को, कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, जो दोषी होगा उसको सबके साथ कार्रवाई की जाएगी। मेरे साथ मारपीट की गई, ये उसके निशान है, जहाँ पे मेरे होश में, वहाँ पे चोट आई है मेरे, यहाँ पे डंडा मारा गया है मेरे, और ये नाखून से मारा गया, ये सब उसी के सब निशान है। अपने शहर की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए जन संदेश टाइम्स के साथ।